वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एम आइंस के चैप्टर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक से ले रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमें यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एमाइन। टर्शरी एमाइन इनमें से कौन सा होगा, हमें यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमाइन, ट्राईथाइल एमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन, एन मिथाइल एनिलीन। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने इनका जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे और फिर हम ये बताएंगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन से एमाइंस होंगे। तो पहला हमने जब ड्रॉ करा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमाइन, इसके अंदर आप देखो तो नाइट्रोजन के साथ में हमारे पास में एक ही यहाँ ग्रुप अटैच है, ठीक है। अगर एक एल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच होगा तो प्राइमरी होगा, दो एल्काइल एराइल ग्रुप्स हों अगर कोई भी तो वो हमारा सेकेंडरी एमाइन होगा, तीन एल्काइल ग्रुप्स होंगे अगर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड तो वो होगा हमारा टर्शरी एमाइन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, जब हमने स्ट्रक्चर बनाए तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमाइन, ये है प्राइमरी एमाइन, ठीक है। सेकेंड जो है हमारे पास में ट्राई इथाइल एमाइन, ये है टर्शरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन। अब यहाँ पर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि टर्शरी तो आ ही गया है, ये तो ये टर्शरी एमाइन हो सकता है, स्टूडेंट्स इसको मार्क कर दें। लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास में नाइट्रोजन से डायरेक्टली तीन ग्रुप अटैच नहीं है एल्काइल ग्रुप्स, ये कार्बन से अटैच है। नाइट्रोजन से जब अटैच होंगे तो ये टर्शरी एमाइन बनेगा। और यहाँ पर जो एन मिथाइल एनिलीन है, एन मिथाइल एनिलीन, ये सेकेंडरी एमाइन हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी ट्राईथाइल एमाइन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि टर्शरी एमाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स, वो है करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। करेक्ट आईयूपीएसी नेम, तो करेक्ट आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या होगा, इसके अंदर जो है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, NH, CH3, इस कंपाउंड का जो करेक्ट IUPAC नेम है इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। एलाइल मिथाइल एमाइन, 2-amino-4-pentene, 4-amino-pent-1-ene, एन मिथाइल प्रॉप-2-ene, 1-amine। तो यहाँ पर हम इसका IUPAC नेम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एन के साथ में यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है। एक तो हो गया यहाँ पर एन मिथाइल और फिर प्रॉप, ये तीन कार्बन एटम का है तो प्रॉप 2-ene-1-amine। तो हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि कुछ हमें कंपाउंड्स, यहाँ पर चार कंपाउंड्स जो हैं वो गिवन हैं। इन चारों कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एक्वस मीडियम में कौन सा होगा। चार हमें यहाँ पर जो कंपाउंड्स गिवन हैं, इन चारों कंपाउंड्स को अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो देखना है कि हमारे पास में ये किस तरह के कंपाउंड्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसको फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में एक कंपाउंड, ये तो है हमारे पास में क्या, प्राइमरी एमाइन, ठीक है। अब हमें जब हमने बेसिसिटी ऑफ एमाइंस पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल में जाकर आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप चैनल पर इसको देख सकते हो। और बेसिसिटी ऑफ एमाइंस पर 2-3 वीडियोस अपलोडेड हैं, दोनों को ज़रूर देख लें। सेकेंडरी एमाइंस जो हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं प्राइमरी एमाइंस से, ठीक है। सेकेंडरी एमाइंस जो हैं वो ज़्यादा बेसिक होंगे किससे, सेकेंडरी एमाइंस प्राइमरी एमाइंस से ज़्यादा बेसिक होंगे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, इस बी ऑप्शन के अंदर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर NH2 के साथ में CH2 अटैच है और CN अटैच है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन को साइनाइड से रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पर, ये एक हमें बी ऑप्शन दी हुई है। सी ऑप्शन के पास में नाइट्रोजन के साथ में दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन। तो हमें एक तो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि ए और सी ऑप्शन में तो सेकेंडरी एमाइन ज़्यादा बेसिक है। अब हमें यहाँ पर बी, डी और सी को आपस में कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इनको आपस में कैसे कंपेयर करोगे आप,
क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन बी के अंदर जो साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, साइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये साइनो ग्रुप क्या शो करता है स्टूडेंट्स, ये करता है माइनस आई इफेक्ट शो। और इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये यहाँ पर हमारे पास में जो बी ऑप्शन है ये लेस बेसिक हो जाएगी इन कंपैरिजन टू मिथाइल एमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस ऑप्शन को भी देख लिया, कंपेयर कर लिया। अब हमारे पास में हमने देखनी है डी ऑप्शन, तो इनको हम कंपेयर करते हैं, ए को और डी को। कैसे कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास में डी ऑप्शन है ये ऑप्शन के अंदर हमारे पास में क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास में लोन पेयर जो कि बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज हो सकता है। इस वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये भी कम बेसिक हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, मिथाइल एमाइन के कंपैरिजन में, और हमारे पास में ये जो सी ऑप्शन है इसके कंपैरिजन में। तो अब हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन बची जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी, वो है ऑप्शन सी। तो इस तरीके से विद रीजनिंग हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पर एक बार दोबारा से समझ सकते हो कि क्या इसमें समझा है। सेकेंडरी एमाइन सबसे पहले ज़्यादा बेसिक होंगे प्राइमरी एमाइन से, तो हमने इन दोनों ऑप्शंस में से देख लिया कि हमारे पास में ये है सेकेंडरी एमाइन जो कि ज़्यादा बेसिक है। बी ऑप्शन के अंदर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एल्काइल ग्रुप के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके साइनो ग्रुप आया है। साइनो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये कंपाउंड कम बेसिक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू प्राइमरी एमाइन। ठीक है, ए ऑप्शन के कंपैरिजन में। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास में फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा डीलोकलाइजेशन शो करेगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होगा यहाँ पर जिसकी वजह से, क्योंकि बेंजीन रिंग पर ये डीलोकलाइज हो रहा है, तो लेस बेसिक होगा ये भी। अब हमारे पास में केवल सी ऑप्शन बचा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा एक्वस मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर क्या लेना है कि हमारे पास में चार कंपाउंड्स ए बी सी डी गिवन है, हमें यहाँ पर बताना है वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, तो वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम जो प्रेजेंट है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो उसका डीलोकलाइजेशन कहाँ पर होगा, डीलोकलाइजेशन होगा जब बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के कारण यहाँ पर डीलोकलाइजेशन इस लोन पेयर का पॉसिबल है, इस वजह से ही ये होगा वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, इन तीनों बेसिस के कंपैरिजन में, तो ये इसका हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो होगा स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया स्टूडेंट्स, बेंजाइल एमाइन जो है उसको हम अगर एल्काइलेशन रिएक्शन के फॉर्म में शो करें, तो यहाँ पर हमें रिएक्शन शो की हुई है एमाइन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में की। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि SN1 मैकेनिज्म के लिए एल्काइल हैलाइड बेस्ट सुटेड जो है, सबसे अच्छा जो रहेगा वो कौन सा होगा इन चारों ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पर ए बी सी और डी चार ऑप्शंस जो हमें गिवन हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि SN1 मैकेनिज्म के लिए बेस्ट सुटेड RX एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर, क्योंकि C6H5CH2Br ये ऑप्शन सी जो है आयनाइजेशन के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजाइल कार्बोकेटाइन देता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है, बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है ना Br के साथ में, बेंजाइल हैलाइड है ये। तो यहाँ पर जब हम Br नेगेटिव निकालेंगे तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से ये हैलाइड जो है ये सबसे अच्छा SN1 मैकेनिज्म के लिए सूट करता है।
सी ऑप्शन यहाँ पर होगी स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड नॉट बी अ ग्रेट चॉइस फॉर रिड्यूसिंग। यहाँ पर जो है कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो कि बहुत अच्छी चॉइस नहीं है फॉर रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एमाइन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट में हमने लिया है एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन विद प्लैटिनम, सेकेंड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, थर्ड में आयरन एंड एचसीएल, फोर्थ के अंदर टिन एंड एचसीएल। चार हमने यहाँ पर रिएजेंट्स देखे, इसमें से कौन सी ऐसी रिएजेंट की चॉइस है जो बहुत अच्छी नहीं है अगर हमें यहाँ रिड्यूस करना है एराइल नाइट्रो कंपाउंड को एमाइन के अंदर। तो इसमें जो है जब हम रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, रिड्यूस करने पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो हमारे को क्या दे देती है, डाई एजो बेंजीन, जबकि हमें बनाना था एमाइन। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर बी जो चॉइस है इससे हमें डाई एजो बेंजीन मिलेगा। जब हम एराइल नाइट्रो कंपाउंड लेंगे तो एमाइन की वजह हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, डाई एजो बेंजीन। ठीक है, तो ये अच्छी चॉइस नहीं है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है देखें, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ प्राइमरी एमाइन फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड विद साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ वन CH2 ग्रुप इन द कार्बन चेन। ठीक है, रिएजेंट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज, अगर हमें प्राइमरी एमाइन को प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड से, तो जब हम एक CH2 ग्रुप कार्बन चेन में ऐड करते हैं, रिएजेंट कौन सा ले नाइट्रोजन ऐड करने के लिए, यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस गिवन है ABCD के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि साइनाइड्स जो है वो रिडक्शन के बाद क्या देते हैं, प्राइमरी एमाइंस। इसमें एक कार्बन जो है साइनाइड का जो कार्बन है CN, वो कार्बन किस में रिड्यूस हो जाता है, CH2 ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड की हमने KCN के साथ रिएक्शन करी, तो यहाँ पर क्या होगा कि K पॉजिटिव X नेगेटिव, तो यहाँ K के फॉर्म में निकल जाएगा, RCN बन गया। और फिर जब हम सोडियम इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिडक्शन शो करेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, दोनों में कार्बन में और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो RCH2NH2 ये हमारे पास में फाइनली जो है कंपाउंड बन गया, ये हमारे पास में कंपाउंड बन गया। हमने यहाँ पर प्राइमरी एमाइन बनाया है एल्काइल हैलाइड से और एक CH2 ग्रुप का इंक्रीज हुआ है कार्बन चेन में। सबसे अच्छा सोर्स यहाँ पर कौन सा होगा रिएजेंट का, ऑप्शन सी KCN, समझ गए, ऑप्शन सी जो है वो होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइंस। अगर हमें यहाँ पर देखना है गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइंस, ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है नाइट्रोजन का इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में ऑप्शन डी जो है ये हमारा है सबसे अच्छा सोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइंस की है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपेयरिंग सेकेंडरी एमाइंस। सेकेंडरी एमाइंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, सेकेंडरी अगर हम RBR मतलब कि अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं विद एमोनिया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं विद NaCl और उसके बाद हमने हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ रिएक्शन किया है, प्राइमरी एमाइन लिया हमने RCHO ऐड किया है उसके बाद हाइड्रोजन प्लैटिनम, या लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में 2 moles ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम थैलीमाइड और उसके बाद हमने यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस और हीट किया है। ठीक है,
तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो क्या होगा अगर हमें सेकेंडरी अमाइंस बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो आर एन एच टू की जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, एल्डिहाइड्स के साथ में, तो रिडक्टिव एनिमेशन ये शो करता है। यहाँ पर हमने देखो कैसे ऐड किया है, आर एन सी एच आर, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में ऑक्सीजन जो है वाटर के फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएगा, H2O बाहर आ गया, ये हमारे पास में डबल बॉन्ड जनरेट हो गया है जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड होगा, नाइट्रोजन पर भी हाइड्रोजन ऐड होगा और कार्बन में भी हाइड्रोजन ऐड होगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, जो कि हमने हाइड्रोजन प्लेटिनम से किया, सेकेंडरी एमाइन हमारे पास में बन गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपेयरिंग सेकेंडरी एमाइंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग टू फिनाइल प्रोपेनामाइड टू टू फिनाइल प्रोपेनामाइन, ठीक है, एमाइड से एमाइन के अंदर लेके आना है। चार ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है, क्या है चार ऑप्शंस, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ब्रोमीन इन एक्वस NaOH, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। तो रिएक्शन करके देखते हैं, हमें यहाँ पर जब टू फिनाइल प्रोपेनामाइड की रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ में, तो ये CONH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 के अंदर। सबसे अच्छा रिएजेंट होगा यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। तो ये हमने आज स्टूडेंट्स करे हैं यहाँ पर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के हैं। NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो हैं धीरे धीरे हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करें और ज़रूर पढ़ लें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे जिसके अंदर और MCQs डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स।